हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग होने वाला है शीतला माता मंदिर गुड़गांव का होने वाला है। तो चलो चलते हैं शीतला माता मैया के दर्शन करने। इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर कर देना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो फटाफट अभी क्या सब्सक्राइब कर लो, मेरे अपकमिंग जितने भी व्लॉग्स होने वाले हैं उनके सबके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सो स्टे ट्यून्ड, एंड तक बने रहना, बिना स्किप करे पूरा व्लॉग देखना। और अच्छा लगे तो कमेंट में जय शीतला मैया जरूर लिखना। अभी हम पहुंच चुके हैं शीतला माता मंदिर और बाइक हमने अपनी यहाँ खड़ी करी है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप यहाँ पे बाइक खड़ी करते हो तो प्रसाद भी आप यहीं से ले लेना, जैसे कि आपकी बाइक खड़ी हुई जो है वो सेफ रहेगी, नहीं तो ये खड़ी करने देते नहीं है। यहाँ से हम प्रसाद लेंगे और चप्पल भी हम यहीं उतार देंगे और यहाँ से निकलते हैं, अंदर देख के आते हैं क्या क्या है। क्या प्रसाद है? प्रसाद मिल जाता है 150 रुपीज़ का भी मिलता है, 150 का भी मिलता है और 250 का भी मिलता है, 500 का भी मिलता है, 1100 रुपये का भी मिलता है। एंट्रेंस गेट से अभी जस्ट हमने एंटर कर लिया है और अभी यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। हाँ, शायद ज़्यादा भीड़ नहीं है। हाँ, नहीं है ना भीड़? आए भी तो हम लोग लेट आए। सही बात है, आज भीड़ था, लोग काफी चले गए, काफी लोग चले गए हैं। हम आए हैं अभी 2:30 बज रहे हैं, इस टाइम तक हम घर पे होते हैं अपने और आज हम लेट आए हैं तो भीड़ है नहीं इतनी। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा जो मैंने बताए थे मन्नत के घर, जो मैं वैष्णो देवी गया था वहाँ पे मन्नत के घर दिखाए थे, तो यहाँ पे भी बनाए जाते हैं इन्हीं सारी ईंटों से। काफ़ी लोगों ने बना भी रखे हैं और काफ़ी लोगों ने नहीं बनाए। यहाँ से अंदर जाके बच्चों के मुंडन वगैरह किए जाते हैं। दर्शन कर लिए और चलते हैं अब घर की ओर। चलो, ये एग्जिट गेट है, यहाँ पे जो मेन गेट है एग्जिट गेट है, उसके जस्ट साइड में एक छोटा सा गेट है जहाँ से एंट्री होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। यहाँ पर ऐसा है कि पंडित जो होते हैं, ज़्यादातर नहीं पर कुछ पंडित तो ऐसे है कि पकड़ पकड़ के टीका लगाते हैं, टीका लगाते ही हाथ आगे करके बोलते हैं लाओ 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये। मेरे को ये एक पंडित ने ऐसे किया, कह रहे क्या करते हो बेटा, मैंने बताया क्या जॉब करते हो बेटा, बिजनेस, मेरे का बिजनेस, उन्होंने बताया आगे दुआ दी अच्छी अच्छी फिर हाथ आगे कर लिया। मैं कहा मेरे जेब में भी कुछ नहीं है, मैं लेके आता हूँ मम्मी से, पहले तो माना नहीं, कह रहे थे हो नहीं सकता तेरी जेब में कुछ ना हो। फिर मैंने बोला, मैं कहा रुक जा, भगवान के दरबार में बैठा है, मैं लेके आता तेरे लिए। मैं आया आगे पैसे से चढ़ा के, अब 10 रुपये लेके आया मैं उस पंडित के लिए, उसमें भी वो भाव खा रहा था, उसमें ये कह रहा था कि बेटा 100-150 चढ़ाओ, 10-20 में क्या होता है। उसे कहने का मतलब ये था कि 100-150 तुम चढ़ाओ, जो मैंने टीका लगाया, ये जो टीका लगाया था थोड़ा सा 100-150 रुपये चढ़ाओ मेरे को,
तो मैं इसको बोला भाई 100-150 की तो बात कर रहा है, 250 मैं अंदर माता पे चढ़ा दिया है। कह रहा है यहाँ पर आपने चढ़ा दी तो आगे क्या चढ़ाओगे। फिर मेरा दिमाग घूमा, मैंने उसको एक चीज़ बोली, लेना है स्टाइल मार था, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा था। मैं कहा लेना है, लेन लगा, मैंने वापसी पैसे छीन लिए और आगे झाड़ गोले को दे दिए। तो यहाँ पे ऐसा है कि पंडित जो है ना ज़्यादातर वो ऐसे ही करते हैं, रोक रोक के बोलेंगे पैसे दे दो ये वो, झाड़ू वाले भी ऐसे ही करते हैं, बट ये नहीं होना चाहिए ऐसे, ये गलत है। इतनी मान्यता है मंदिर की, इतनी इतना अच्छा मंदिर बना रखा है, तो फिर भी तो लोग ऐसे कर रहे हो। कोशिश करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि पहुँचनी चाहिए अच्छे अच्छे लोगों तक, तब जाके कुछ हो पाएगा। कि जो झाड़ू लगा रहे हैं जो पंडित लोग हैं वो भी रोक रोक के पैसा मांग रहे हैं, ये गलत चीज़ है। अपनी श्रद्धा से देनी अलग बात होती है, पर पैसा मांगना गलत बात होती है। थोड़ा ये एक्सपीरियंस था मेरा, बाकी बहुत अच्छा लगा। चलते हैं घर को। इम्पोर्टेंट चीज़ जो पंडित था वो कहीं माता के पीछे या फिर कहीं बैठा हुआ था, अपने हाथ में एक कटोरी लेके जिसमें टीका उसने डाल रखा था। तो ये गलत चीज़ है, ऐसे करना गलत चीज़ है। एंड मैं आपको बता रहा था रास्ते का, तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ से एंट्री है और यहाँ से एग्जिट है। काफ़ी लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, ये जो गेट है यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, बट एंट्री मेन यहाँ से इस गेट से ऐसे घूम के जाना है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग के ब्लॉग में कि आगे से हमने घूम के जाना है यहाँ से, और उसके बाद जाके हमने आगे दर्शन करने और घूम के वहाँ से वापसी आना है, और यहाँ से एग्जिट है, यहाँ से एग्जिट है इस गेट से। बहुत बढ़िया था। और अब चलते हैं घर की साइड। चलो यहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है, काफी धूल मिट्टी उड़ रही है यहाँ पे, और ऊपर जो आप देख रहे हो दिल्ली टू जयपुर हाईवे है। आगे हम दिल्ली के बॉर्डर पे, अभी खस्ता कचौड़ी ली है, बाकी दिखने में तो बहुत स्वाद लग रही है, पर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है कैसा नहीं। पैसा वसूल चीज़ है भाई। बहुत गर्मी है। अभी जस्ट हम घर पहुंच चुके हैं, और होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना, और ऐसी बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स देखने के लिए अभी के अभी मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे जरूर टैप करना।